संगम नगरी की अपनी एक धार्मिक महत्व है। प्रयाग, जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है, यहाँ पे हर वर्ष माघ मेले का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शासन प्रशासन करते हैं। यहीं संगम के किनारे माघ मेला में कुछ विदेशी मेहमान भी पहुँचते हैं, जिसे लोग बहुत ही जो लोगों को बहुत ही आकर्षित करता है। ठंड की शुरुआत के साथ ही साथ संगम में साइबेरियन पक्षी का आगमन हो गया है। यह पक्षी माघ मेले में पूरे एक माह कल्पवास करते हैं। जिस तरह से दूर दराज के श्रद्धालु संगम के रेती में पहुंचकर कल्पवास पूरे विधि विधान के साथ करते हैं, उसी तरह से ये विदेशी मेहमान संगम में अटकेलिया करते हुए पूरे माघ मेले में कल्पवास करते हैं। नवंबर माह के शुरुआत से ही इन पक्षियों का आगमन हो जाता है और यह पक्षी लगभग फरवरी और मार्च के बीच में अपने वतन के लिए वापस लौट जाते हैं। साइबेरियन पक्षी के आने से संगम घाट में सैलानियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। सैलानी सुबह से लेकर शाम तक नौकायान करते नजर आते हैं। 20 दिन हो गया इनको आने का, अब ये रहेंगे 3 महीना तक यहाँ, ठंड तक रहेंगे, गर्मी में चले जाएंगे। कितने महीने तक यहाँ रहती है? ये 3 महीना, 3.5 महीना। अच्छा, ये क्या परंपरा है यहाँ पे आना इनका, और सैलानी कितना यहाँ पे आ रहे हैं साइबेरियन पक्षी की वजह से? ये सब बहुत ढेर सारे पक्षी आते हैं, अपने मन से आते हैं, अपने मन से चले जाते हैं, कोई देखता नहीं यहाँ, कोई ले आता है, कोई छोड़ता है, सब नहीं है, ये अपने से आते हैं, अपने से चले जाते हैं। माघ मेले में कल्पवास भी करती है ऐसा मानता है ये? हाँ, कल्पवास करते हैं पूरे एक महीने पक्षी रहते हैं, 1 महीना पक्षी रहते हैं जम के। अच्छा, साइबेरियन पक्षी आने वाले से आप लोग के सैलानियों में कुछ संख्या बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? हाँ, बढ़ी है, संख्या बढ़ी है। पक्षियों का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे श्रद्धालु आते हैं यहाँ कल्पवास करते हैं, वैसे पक्षी भी आके यहाँ पर कल्पवास करते हैं, और इनको जो है सब श्रद्धालु लोग भोजन कराते हैं, नमकीन देते हैं, बिस्किट देते हैं, रोटी पूड़ी परेठा खिलाते हैं। ये बेचारे जो है बहुत श्रद्धालु पक्षी है, हाँ, ये बहुत अच्छे हैं, इनको कोई मार नहीं सकता, इनको मारोगे तो 302 के मुलजिम बनोगे आप, ठीक है। और यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, हमेशा जो है इनका ध्यान देते। ये जो है नवंबर में आती हैं और लास्ट जो है फरवरी और मार्च, फरवरी पूरा होते तो मार्च तक में चली जाती है। तो ये ठंडी के महीने में कल्पवास करने आती है, पूरा एक माह कल्पवास करती है, और कार्तिक महीने में भी कल्पवास करती है। कार्तिक और माघ का पूरे एक बराबर होता है। क्या क्या महत्व है, क्या परंपरा है इन पक्षियों का, हर साल आती है ये पक्षियाँ? हर साल आती है ये साइबेरियन पक्षी, हर साल आती है, बहुत दिन से सनातनों से चली आ रहे हैं, जब से हम मतलब हम जानते, मान लो हमारे 45 वर्ष की उम्र हुई, उससे पहले से ये आ रहे हैं। जो बाहर के सैलानी आते हैं, किस तरह से इनको दाना पानी देते हैं, थोड़ा सा क्या? जो बाहर संगम में पक्षियों का नेश क्या लोग गुलजार हुआ है? नाव पे बैठते हैं, नाव पे बैठ के नमकीन लेते हैं, नमकीन लेके इनको आ आ करके बुलाते हैं, अभी आप ही बुलाओ तो आपके पास आ जाएंगे, इनको चारा पानी दो, भोजन दो, तो ये आपके पास आ जाएंगी। कहाँ से आती है ये? साइबेरियन से आती है।